आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जरा इनको जहां भी हो जरा मेरा सवाल अगल बगल में बैठे हुए को जवाब दे, ये जो बाहर गए ना उनको जरा पूछे एक कच्छ तिबु क्या है, कोई पूछे इनको कच्छ तिबु क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूँ ये कच्छ तिबु क्या है और ये कच्छ तिबु कहाँ आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ तिबु वापिस ले आइए। एक कच्छ तिबु है क्या, किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था, कब दिया था, कहां गई थी, क्या ये भारत माता नहीं थी वहां, क्या वो मां भारती का अंग नहीं था, और इसको भी आपने तोड़ा, और कौन था उस समय, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, और कांग्रेस का मां भारती के प्रति प्रेम क्या रहा है, भारत के वासियों के प्रति प्रेम क्या रहा है, एक सच्चाई बड़े दुख के साथ मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। ये पीड़ा वो नहीं समझ पाएंगे, मैं नॉर्थ ईस्ट के चप्पे चप्पे पर घुमा हुआ व्यक्ति हूं थी। और राजनीति में कुछ नहीं था तब भी अपने पैर वहां घिसता था, मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है उस क्षेत्र के प्रति, इनको अंदाज नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तीन प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूं सदन से, और बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं, देशवासी भी सुन रहे हैं। पहली घटना 5 मार्च 1966, इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था, कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी, क्या क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे, क्या क्या उनकी सुरक्षा ये भारत सरकार की जिम्मेवारी थी कि नहीं थी। 5 मार्च 1966 वायुसेना से हमला करवाया गया, निर्दोष नागरिकों पर हमला करवाया गया। और माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मिजोरम में 5 मार्च को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है, उस दर्द को मिजोरम भूल नहीं पा रहा है। कभी इन्होंने मरहम लगाने की कोशिश नहीं की, घाव भरने का प्रयास तक नहीं किया है, कभी उनको इसका दुख नहीं हुआ है। और कांग्रेस ने इस सच को देश के सामने छिपाया है दोस्तों, ये सत्य देश से उन्होंने छिपाया है कि अपने ही देश में वायुसेना से हमला करवाना, कौन था उस समय, इंदिरा गांधी। अकाल तख्त पर हमला हुआ है तो अभी भी हमारी स्मृति में है, उनको मिजोरम में उसके पहले ही आदत लग गई थी, और इसलिए अकाल तख्त पर हमला करने तक वो पहुंचे थे मेरे ही देश में। और यहां हमें उपदेश दे रहे हैं,
आदरणीय अध्यक्ष जी, नॉर्थ ईस्ट में वहाँ के लोगों के विश्वास की इन्होंने हत्या की है, वो गांव किसी न किसी समस्या के रूप में उभर करके आते हैं, उन्हीं के कारना में है। आदरणीय जी, मैं दूसरी घटना का वर्णन करना चाहता हूँ और वो घटना है 1962 का वो खौफनाक रेडियो प्रसारण आज भी शूल की तरह नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चुभ रहा है। पंडित नेहरू ने 1962 में जब देश के ऊपर चाइना का हमला चल रहा था, देश के हर कोने में लोग अपनी रक्षा के लिए भारत से अपेक्षा करके बैठे थे, उनको कोई मदद मिलेगी, उनकी जान माल की रक्षा होगी, देश बच जाएगा, लोग अपने हाथों से लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए थे, ऐसी विकट घड़ी में दिल्ली के शासन पर बैठे हुए और उस समय पर एकमात्र जो नेता हुआ करते थे, पंडित नेहरू ने रेडियो पर क्या कहा था? उन्होंने कहा था, माय हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ आसाम। ये हाल करके रखा था उन्होंने। वो प्रसारण आज भी असम के लोगों के लिए एक नस्तर की तरह चुभता रहता है। और किस प्रकार से उस समय नेहरू जी ने उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ जीने के लिए मजबूर कर दिया था, ये हमसे हिसाब मांग रहे हैं।